किसी भी घर में ये दो जगह बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। पहली चीज़ है आपका गुसलखाना या बाथरूम, और दूसरी चीज़ है आपके पंखे या ट्यूबलाइट। बहुत से घरों में ऐसे केसेस होते हैं जब लोग पंखे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, हाल ही का केस सामने आया। तो ऐसा क्यों होता है कि पंखे ही नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, और पंखों में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो पंखा किसी का जीवन ना लेवे बल्कि उसको बचाने में सहायक हो। पंखा हमें हवा देता है, हमें सुकून देता है, फिर वही पंखा किसी के जीवन में जंजाल कैसे पैदा करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, नेगेटिव एनर्जी बहुत से घरों में निवास करती है। जिस घर में साउथ वेस्ट में पानी का टैंक होता है, या जिस घर में टी पॉइंट होते हैं, या जिस घर में पूजा पाठ नहीं होते, जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, जिस घर में दान दक्षिणा नहीं दी जाती, जिस घर में शुभ मौक़ों पर पितृदेव का स्मरण नहीं किया जाता, ऐसे घरों में अदृश्य बाधा का निवास होता है। इसके अलावा लग्न पर शनि की दृष्टि, शनि मंगल या राहु की दृष्टि, या लग्न में ही पाप ग्रहों के जमावड़ा होना, लग्न से लेके दूसरा या बारहवां घर सभी जगह पर पाप ग्रह का निवास होना, पंचम भाव में राहु का होना, 11 तिथि पर जन्म होना, एकादशी तिथि पर जन्म होना, ये भी कई तरह की परेशानियों को पैदा करता है। अमावस्या पर जन्म होना किसी भी जातक का, तो बहुत सारी परेशानी विघ्न बाधाएं दर्शाता है। और विशेष रूप से जो घर है उसमें बार बार पंखों का खराब होना, क्योंकि बिजली के जो उपकरण होते हैं जिस घर में ज़्यादा खराब होते हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है, वहाँ रहने वाले लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वहाँ किसी न किसी रूप में आए दिन झगड़े विवाद होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, अपने घर के पंखे को किस तरह से लगाने से पहले एक छोटी सी क्रिया की जाए जिससे कि वो पंखा किसी का जीवन ना ले सके बल्कि जीवन दान दे सके, इसी प्रकार से आपके घर के जो बाथरूम हैं उनमें भी आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखना चाहिए। घर के बाथरूम में हमेशा आपको कपूर की टिकिया जरूर जलानी चाहिए। लोग मंदिर में जलाते हैं, सब जगह जलाते हैं, पर मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि घर के बाथरूम में हमेशा कपूर की टिकिया जलानी चाहिए। इसके अलावा घर के बाथरूम में जब भी स्नान वगैरह करते हैं उसको पूरा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। घर के बाथरूम में खिड़की जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा घर के बाथरूम में कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर नमक का पोचा लगवाएं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कमरों में तो जनरली नमक का पोचा लग जाता है, और बचा हुआ पानी भी टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है जो कि आपके बाथरूम से अटैच होता है, लैट होता है, मतलब WC जो होता है अटैच होता है लैट बाथ। तो इस तरह से आपको बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए, और कपूर की टिकिया, तेज पत्ता, लौंग वगैरह ये जरूर टाइम टू टाइम बाथरूम में जलाते रहें, क्योंकि बाथरूम में बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं जब लोग गिर गए, उनको लग गई, या कई लोगों का जीवन ही समाप्त हो गया। तो इसके पीछे कारण ये है कि बाथरूम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका पंखा होता है या ट्यूबलाइट होती है या बल्ब होते हैं, इनमें भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें घर में शुभ मुहूर्त में लेकर आनी चाहिए। बेसिकली इन चीज़ों को कभी भी अमावस के दिन, 11 के दिन या किसी श्राद्ध के दिन इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग इनको नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो पंखे होते हैं उनमें बेस्ट कलर वाइट होता है, और वाइट कलर के पंखे ही शुभ होते हैं, लेकिन किसी किसी को वाइट कलर के पंखे भी सूट नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने जो लिए जो लक्की कलर हैं उसी रंग के पंखे आपको लेने चाहिए। ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी अपनी राशि के हिसाब से किस तरह का पंखा आपको लगाना चाहिए। यहाँ मैंने सामान्य से जानकारी दी, पंखा हमेशा शुभ मुहूर्त में लेकर आएं। पंखे को लगाने से पहले उस पर रेकी के लक्की सिंबल नंबर 1 बनाएं। जिनको रेकी की जानकारी है वो बनाएं, जिनको नहीं जानकारी है वो पंखे की हर पंखुड़ी पर ओम का सिंबल बनाएं और उसको परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद समझें। जब भी कोई नया उपकरण घर में आए तो उसका स्वागत रोली चावल लगाकर करें। कोई भी चीज़ निष्क्रिय होती है, निर्जीव होती है, लेकिन वो भी किसी के जीवन को ले सकती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जब आप पंखों से लटकने वाले लोगों के किस्से सुनते हैं। तो इसलिए पंखे, कोई भी चीज़ घर में आ रही है तो सबसे पहले उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, उस पर रोली चावल लगाएं, उस पर ओम बनाएं, उसमें आप मानसिक रूप से अपनी एनर्जीज डालें कि ये पंखा हमेशा शुभ हो, घर में किसी सदस्य के काल के रूप में वो पंखा ना आए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो पंखा, आपके घर की ट्यूबलाइट्स, ये हमेशा रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। यदि पंखा नहीं चल पा रहा है, उसकी स्पीड में दिक्कत है, तो ऐसे पंखों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो एंटिक पंखे होते हैं, वुडन पंखे होते हैं जिनमें कुछ लाइटिंग होती है, डेकोरेटिव होते हैं, ऐसे पंखे घर के लिए अशुभ, घर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जहाँ तक हो ऐसे पंखों को अवॉइड करना चाहिए।